टॉपिक इज OCM चैप्टर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1, जिसका आज हम लोग लेने वाले हैं मेरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या घाटे होते हैं, वो सारी चीज़ें इस लेक्चर में आपको मिलने वाली है। तो इस लेक्चर को काफ़ी ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले समझते हैं मेरिट, यानी कि क्या क्या फायदे होते हैं अगर आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करते हो। यानी कि अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है और आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हो तो उसके क्या क्या फायदे होते हैं, ये आज आपको जानने को सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहला जो फायदा होता है वो होता है ईजी फॉर्मेशन का। काफ़ी आसानी से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टार्ट हो जाती है, बन जाती है, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, किसी भी तरह के एग्रीमेंट की जरूरत नहीं होती है इसे चालू करने के लिए। यहाँ पे बस आपको मिनिमम दो लोगों की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फैमिली का मतलब क्या होता है, एक अकेला आदमी थोड़ा ना फैमिली होता है। फैमिली का मतलब होता है दो लोग मिलकर एक फैमिली को बनाते हैं। बट आपके टेक्स्टबुक में कोई भी मिनिमम के बारे में डेफिनेशन नहीं दी गई है कितना, तो आप टेक्स्टबुक के हिसाब से चलो कि मिनिमम और मैक्सिमम की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितना भी कम रख सकते हो और कितने भी ज़्यादा मेम्बर्स को रख सकते हो अपने फैमिली बिजनेस के अंदर। तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो काफ़ी आसानी से आप अपने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। बस आपको जो हिंदू लॉ है यानी कि हिंदू सक्सेशन लॉ 1956, उसके अंडर में रहकर जितने भी नियम कानून है उन्हें बस फॉलो करना रहेगा। तो अपना जो दूसरा फायदा है वो है प्रोटेक्शन ऑफ को पार्टनर इंटरेस्ट। यानी कि जो को पार्टनर्स है उनका जो हिस्सा होता है वो ये कर्ता बचा के रखता है, संभाल कर रखता है, ताकि इन फ्यूचर जो बचे हुए जो पार्टनर्स मतलब जो बचे हुए मेम्बर्स है, जैसे कि मान लेते हैं एक फैमिली है जिसके अंदर जो एक फादर है, ठीक है, वो करता है, ठीक है, वही सारे बिजनेस को चलाता है। देन दो बच्चे हैं उसके, एक बच्चा जो है, एक को पार्टनर जो है वो चाहता है कि मेरा जो हिस्सा प्रॉपर्टी में वो मेरे को दे दो, मेरे को अलग होने का है। तो उस टाइम पे ये जो करता है वो इजीली उनका जो हिस्सा वो दे पाता है, क्योंकि उसने उसे संभाल के रखा रहता है। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है, को पार्टनर को फ़ायदा मिल जाता है कि वो आसानी से अपने इंटरेस्ट को ले सकते हैं, उनका जो इंटरेस्ट है हिस्सा जो है वो बचा हुआ रहता है, संभाल के रखाया हुआ रहता है, ठीक है। तीसरा फायदा होता है क्विक एंड प्रमोट डिसीजन, क्योंकि देखो कर्ता जो है वो सबसे ओल्डेस्ट मतलब सीनियर मोस्ट फैमिली मतलब मेंबर होता है, सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होता है। जैसे आप फादर का बताया तो फादर जो है सबसे बूढ़ा और सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है उस फैमिली के अंदर, तो इस वजह से उसके पास काफ़ी सारी एक्सपीरियंस और नॉलेज होती है उस पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड, कि काफ़ी सालों से वो बिजनेस कर रहे हैं तो काफ़ी नॉलेज होती है, और उस नॉलेज को ही इस्तेमाल करके वो अपने डिसीजंस को लेता है। और क्योंकि उसने काफ़ी बार ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसके वजह से उसके जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं और काफ़ी सही भी डिसीजंस वो लेता है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपने डिसीजंस को लेता है। देन चौथा फ़ायदा अपने को मिलता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि वो जो को पार्टनर्स है यानी कि जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, मान लेते हैं अब दो बच्चे हैं, तो वो जो दो बच्चे हैं उन्हें ऐसे नहीं कि अब बड़े होंगे 18 साल के होंगे तब जाके उन्हें ट्रेनिंग मिल जाएंगे, फिर जॉब करेंगे, 4-5 साल जॉब करेंगे तब जाके उन्हें जॉब का एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद कोई अपना खुद का बिजनेस करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि खुद का बिजनेस है, अगर जैसे मान लेते एक दुकान है तो वो बचपन से या फिर थोड़ा बहुत कम उम्र से ही उस जो दुकान है वहाँ पे थोड़ा बहुत काम कर सकता है, मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है, जिसके वजह से उसको ऐसे ही छोटी उम्र से पहले से ही उसके पास ट्रेनिंग उसे ट्रेनिंग मिल जाती है काम करने की, किस तरह से मैनेज किया जाता है बिजनेस को, वो कर्ता को देख देख कर समझ सकता है कि कर्ता जो है मतलब जो उसका फादर है या फिर जो भी सबसे जो उस बिजनेस को चला रहा है वो किस तरह से चला रहा है, किस तरह से मैनेज कर रहा है, क्या क्या डिसीजंस ले रहा है, क्या सोच के डिसीजंस ले रहा है, इस सारी चीज़ों को देखकर उसे वो आइडिया मिल जाएगा और वो पहले से ही वो सारे एक्सपीरियंस को गेन कर लेगा। देन उतनी नॉलेज होने के बाद जब वो बड़ा होगा तो उस बिजनेस को ज़्यादा अच्छे से चला पाएगा। तो ये फ़ायदा हो जाता है। फिर पाँचवा जो फ़ायदा होता है और जो लास्ट फ़ायदा होता है वो होता है को पार्टनर्स लाइबिलिटी, यानी कि को पार्टनर्स की जो उधारी होती है मतलब लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी मतलब क्या, कि अगर किसी आउटसाइड मतलब लोन बेसिकली उसका मतलब होता है कि अगर लोन जो भरने का टाइम आता है तो उसमें को पार्टनर का क्या होता है, मतलब क्या अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो ये जो को पार्टनर्स होती है इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि जितना भी इनका हिस्सा है, यानी कि मान लेते हैं कि अगर दो भाई है तो उनका हिस्सा मान लेते हैं जितना भी परसेंट का होता है 50-50 या फिर 25% मान लेते हैं, तो उनका जितना भी परसेंट है सिर्फ अगर लॉस होना भी है या फिर अगर मतलब जितना भी लाइबिलिटी भरने का टाइम भी आएगा तो सिर्फ उतना हिस्सा जो है सिर्फ उतना ही जाएगा, ठीक है। मतलब अगर 50-50 का है तो सिर्फ 50% ही जाएगा, अलग से उन्हें अगर उन्होंने कहीं और से कमा कर कहीं से इकट्ठा किया और दूसरी जगह अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस प्रॉपर्टी को नहीं छुआ जाएगा, सिर्फ जितना भी उनका उस कर्ता के हिस्से में जो उसने प्रॉपर्टी उसे दी थी उस जिस कर्ता के हिस्से के अंदर जो उसका हिस्सा था शेयर था उस शेयर में से ही वो जितना भी लाइबिलिटी भरने का वो भरेगा,
उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को छुआ नहीं जाएगा को पार्टनर्स की। तो इसी को अनलिमिटेड मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसकी उल्टा होता है, अपोजिट होता है, पर्सनल असेट्स भी छीन लिए जाएंगे, बेच दिए जाएंगे उस लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे को पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड इन नेचर होती है, यानी कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ तक ही एक्सटेंड रहती है, जितना भी कैपिटल उनका, जितना भी हिस्सा उनका है वहीं तक एक्सटेंड रहेगी। वहीं पे अगर जो कर्ता का देखें तो वहाँ पे कर्ता जो होता है उसका अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि अगर कल को बिजनेस जो है उसके अंदर लॉस हो जाता है और लाइबिलिटी जो है मतलब उधारी लोन किसी से लिया बैंक बैंक से, तो उसको भरने का टाइम आएगा तो कर्ता को अपना घर बार बेच बाच कर उस लोन को पे ऑफ करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे को पार्टनर्स को एक फायदा मिल जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी का। तो ये मेरिट्स हो गए, फायदे हो गए ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। अब लॉसेस देख लेते हैं, घाटे देख लेते हैं, क्या क्या घाटे होते हैं अगर आप ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को करते हो। पहला घाटा होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। मैंने अभी आपको बताया जो कर्ता होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि कल को मान लेते हैं बिजनेस जो है वो बंद पड़ जाता है और बिजनेस ने किसी बैंक से या फिर किसी से लोन लिया था, तो उस लोन को भरने के लिए कर्ता को अपना घर बार बेचना पड़ सकता है। अगर बिजनेस को बेच बाच कर भी अगर वो लोन पे ऑफ नहीं हो पाता है, उसका क्लेम जो है वो पे ऑफ नहीं हो पाता है, तो उस क्लेम को पे ऑफ सेटिस्फाई करने के लिए अपना घर बार बेचना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है कर्ता की, ये जो एक बुरी बात हो जाती है, एक डीमेरिट हो जाता है। दूसरा जो अपना डीमेरिट है वो होता है लिमिटेड फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल रिसोर्सेज, यानी कि क्योंकि देखो पार्टनरशिप में क्या होता था, चार पांच लोग रहते थे, चार पांच घरों से पैसे आते थे, मतलब एक घर से अगर एक 1 लाख आ रहा तो चार पांच घर है, चार पांच घर से 4-5 लाख आएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक ही फैमिली है, अब एक फैमिली है, जितने भी उनके पास प्रॉपर्टी रहेगी उतने ही उनके पास रिसोर्सेस है, यानी कि 1 लाख का प्रॉपर्टी है तो 1 ही लाख उनके पास रिसोर्सेस है, 10 लाख की है तो सिर्फ 10 ही लाख है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे कम रिसोर्सेस रहते हैं और यहाँ पे क्योंकि एक ही पर्सन बिजनेस को मैनेज भी करता है, इस वजह से रिसोर्सेज भी हमारे पास कम रहते हैं, देन हमारे पास पैसे भी कम रहते हैं और हमारे पास मटेरियल रिसोर्सेस भी कम रहते हैं, तो सारी चीज़ें कम होती है। इस वजह से ये जो बिजनेस होता है, ये पर्टिकुलर बिजनेस, ये ग्लोबल लेवल में मतलब ज़्यादा हम बड़ा नहीं कर पाते, जितनी भी हमारे पास पैसे होते हैं उस हिसाब से ही हम अपने बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं, तो एक लिमिटेड स्कोप ही रहता है इस बिजनेस का, इसके एक्सपांशन का। जो डीमेरिट है वो है नो सेपरेट लीगल स्टेटस, यानी कि क्या जो लॉ है उसकी नज़रों में ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, यानी ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है और जितने भी फैमिली मेंबर्स है, यानी कर्ता को पार्टनर जितने भी फैमिली मेंबर्स है जो उस बिजनेस को ओन करते हैं, उनके बीच में कोई भी मतलब सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं देखता है, यानी कि दोनों को अलग अलग नहीं मानता है। कंपनी में क्या होता है, अगर कंपनी डूबती है और अगर उसके ऊपर कोई लोन है तो उस लोन को पे ऑफ करने के लिए वो जो लोन कंपनी है या फिर जहाँ से भी लोन लिया, तो उस लोन जो है उस कंपनी से रिकवर किया जाएगा, ना कि कंपनी के ओनर से। लेकिन यहाँ पे क्या, जो बिजनेस है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है, अगर वहाँ पे कोई लोन है तो उस लोन को पे ऑफ करने के लिए उस लोन मतलब उस जो बिजनेस के ओनर्स है, जितने भी ओनर्स है फैमिली मेंबर्स, उनके घर पे आएंगे और उनका घर बार बेच कर उससे पे ऑफ किया जाएगा। तो यहाँ पे नो सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर। ठीक है, नाउ अब जो चौथा डिसएडवांटेज है यानी डीमेरिट है वो है पार्टीशन ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस जो है वो बिखर सकता है, टूट सकता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, किस तरह से, देखो क्योंकि बिजनेस को जो मैनेज करने का काम है वो सिर्फ अकेला कर्ता करता है। ठीक है, वो सारी डिसीजंस खुद लेता है और फैमिली के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे लोग होते हैं, यानी भाई बहन होते हैं, चाचा चाची होते हैं, ऐसे काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं जिनमें झगड़ा झगड़ी हो सकता है, उन्हें लग सकता है कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है या फिर ऐसी चीज़ें हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, झगड़े झगड़ी हो सकते हैं। और उसी सेम टाइम पे अगर कर्ता को कोई डिसीजन देना है और उस टाइम पे अगर कोई को पार्टनर जो है उसे अगर कोई मतलब कंसल्टेट करता है, कोई एडवाइस देता है और उस एडवाइस को वो कर्ता जो है वो नहीं मानता है, बोलता है नहीं तुम्हारी एडवाइस बकवास है, तो उस टाइम पे वो बाकी के जो मेंबर्स हैं उन्हें लगता है कि हमारा कोई महत्व नहीं है, और सो डैट उस टाइम पे वो अपने बिजनेस को है जो मतलब तोड़ भी सकते हैं कि मेरा हिस्सा दे दो, मैं घर को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अपना अलग से बिजनेस करूँगा। जैसे पार्टीशन हो सकता है बिजनेस में क्योंकि घर बार है, झगड़ा झगड़ी होते रहते हैं, तो ये घाटा हो जाता है, चौथा घाटा हो जाता है। एंड लास्ट जो घाटा होता है वो होता है नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड्स, यानी कि पार्टनरशिप में क्या होता था, आप जितना मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे, उतना ज़्यादा आपको शेयर जो है आपका उसका ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कर्ता जो है वो अकेले सारा काम करता है, मतलब मैनेजमेंट में जितना भी बिजनेस को रन कर रहा है वो सारे काम वो अकेले ही करता है और को पार्टनर्स कोई भी काम नहीं करते, यानी सिर्फ उन्हें पैसे से मतलब होता है, वो कोई भी काम मैनेजमेंट में कोई हेल्प नहीं करते। क्योंकि हमने पहले देखा मेरिट्स में कि वो कोई हेल्प मतलब फीचर्स में देखा था कि कोई भी जो को पार्टनर्स है उनके पास कोई राइट नहीं होता, हक नहीं होता मैनेजमेंट में काम करने का,
क्योंकि कर्ता ही सारे काम करता है, तो इतनी मेहनत करने के बाद भी जितना भी कमाया है कर्ता को सब जितने भी मतलब को पार्षद उन सब में भी बांटना पड़ता है, तो इस वजह से कर्ता जितना भी मेहनत कर ले उसको मिलेगा उतना ही जितना उसका हिस्सा होगा। तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी परफेक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करोगे ज़्यादा तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे मतलब बाकी के कंपैरिजन में, तो ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक घाटा हो जाता है कि कर्ता कर्ता जो है अगर वो ज़्यादा मेहनत करता है तो उसे ज़्यादा पैसे नहीं मिलने वाले, उसे जितना भी उसका शेयर रेशो होगा उसी हिसाब से मिलेगा। तो ये भी एक मतलब हो जाता है डिसएडवांटेजेस कि आप जितना मेहनत करोगे उतना आपको नहीं मिलने वाला है। नाउ ये तो आज का टॉपिक हमारा हो गया है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। काफ़ी लोगों के दिमाग में डाउट भी होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, तो सारे जो फीचर्स और इसका मतलब है, फिर नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस के मेरिट एंड डीमेरिट्स भी देखेंगे। तो सारी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो ये लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप देख सकते हो, वरना चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।